पटना का राजेंद्र नगर की गली में गई थी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं साक्षी कर एक्चुअली मेरा पहला एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ हॉस्टल का। मैं कैसे गई वहाँ पे, बहुत ज़बरदस्ती की थी, रोई थी कि नहीं जाना है नहीं जाना है नहीं जाना है, पर पापा ने तो भेज दिया था। फिर पहला दिन हॉस्टल का, इट वॉज अमेजिंग एज वेल एज वर्स्ट एक्सपीरियंस। जब मैंने पहली बार वो गली राजेंद्र नगर पटना का राजेंद्र नगर की गली में गई थी, तब वहाँ एकदम सब कुछ न्यू था, हर एक चीज़ न्यू था मेरे लिए। इंडिया न्यू था, बिहार न्यू था, पटना न्यू था, बिशप स्कॉट न्यू था, रामा गर्ल्स हॉस्टल न्यू था। फिर वहाँ पे जाने के बाद पापा को गले लगा के बहुत रोई, नहीं जाना है पापा नहीं जाना है पापा, लेकिन पापा ने बोला कि जाओ सीखोगे बहुत कुछ। फिर मैं बस गई थी अपना रूम देखने के लिए, बेड देखने के लिए, कमर देखने के लिए। तब तक मैं पापा वहाँ से चले गए कि मैं ये फिर आएगी मेरे से मिलने तो नहीं जाने देगी, रोएगी। पापा वहाँ से चले गए और जब मुझे पता चला मेरे को एकदम बेचैनी सा हो गया। फिर मैं गई पापा से मिलने, तब पापा वहाँ पे थे ही नहीं, मैं वहाँ से भाग गई। लिटरली मैं वहाँ से एक्चुअली हम लोग का दो हॉस्टल था, तो एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल पापा गए थे, मुझे पता ही नहीं था। मेरे को लगा मेरे पापा चले गए और मैं वहाँ से भाग गई पापा से मिलने के लिए। और वहाँ पे एक प्रिया दीदी बोल के दीदी थी, सीनियर थी हम लोग की, वो अचानक से बोली नेपाली भाग गई। क्योंकि मैं तो नेपाली थी, तो फिर वो बोली नहीं नेपाली भाग गई नेपाली भाग गई। मैं चप्पल वप्पल कुछ नहीं पहना भाग गई, मेरा नाक का नोज पिन गिर गया था, मेरे को कुछ नहीं ध्यान में आया, मैं बस भाग गई। और वहाँ पे पापा से मिलने गई तो पापा ने समझाया कि इसको मन नहीं है एक्चुअली यहाँ पे आने का, लेकिन फिर भी रख लिया इसको अच्छे से रखिएगा। और मैं जो भाग गई थी उसकी वजह से बहुत बवंडर हो गया मेरे हॉस्टल में। एक्चुअली वहाँ पे जो मेरी वार्डन थी, उन लोग को ना ये हॉस्टल में आना पड़ता था खाना वाना बनाने के लिए। हम लोग का हॉस्टल तब तक मैं बस ऐसे ही रहता था, तो बंद नहीं रहता था, उसमें ताला वगैरह कुछ नहीं लगता था। मैं जब भाग गई, मेरी वजह से उसमें ताला लगने लग गया ताला लगने लग गया था। फिर बहुत लोग होता है ना वैसे चिढ़ गए थे कि इसकी वजह से ताला लगने लग गया है। थी इतनी पतली थी, यू आर कैन नेवर इमेजिन, मैं इतनी पतली थी। तो प्रिया दीदी ने मेरा नाम रख दिया था, ए पीके ए पतली कमर। एवरीवन यूज्ड टू कॉल मी एज पीके। कोई मुझे वहाँ पे साक्षी बोल के कोई नहीं बुलाता था। एक्चुअली मैं पीके से ही मेरा पहचान बन गया था वहाँ पे, कुछ पता था पीके ए पीके ये कर पीके ये कर पीके चलो ये करते। फर्स्ट 2-3 मंथ्स मुझे बहुत टाइम लगा, मतलब बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था मेरे लिए वहाँ पे सर्वाइव करना, क्योंकि मेरी मम्मी का डेथ हो चुका था 10th के स्टार्टिंग में। फिर 10th के बाद पापा हॉस्टल भेज दिए, तो मिक्स फीलिंग कि इन्जॉय करना है पढ़ना है कि उसमें सेटल होने में मुझे कितना टाइम लगेगा। इट वॉज़ वेरी टफ। फिर पापा वहाँ मेरा हॉस्टल का रूम था, मतलब मोस्ट ऑफ द हॉस्टल्स में ऐसा 11th 12th हाई स्कूल के लिए रूल होता है, मोबाइल्स आर नॉट अलाउड, यू कैन ओनली टॉक टू योर पेरेंट्स ऑन संडे। एंड बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल था, मैं बचपन से कोएड में पढ़ी थी, फर्स्ट टाइम गर्ल्स कॉलेज में गई थी। इट वॉज आई रियली कैन इमेजिन द फर्स्ट 2-3 मंथ्स, जितना मैंने नौटंकी किया कि नहीं रहना है यहाँ पे, वार्डन को बोल बोल के कि पापा से बात करा दो पापा से बात करा दो। एंड पापा भी एक टाइम पे होता ना कि अब वो खुद सीखेगी बोल के मेरा कॉल नहीं उठाते थे, फिर कॉल बैक नहीं करते थे, सीखेगी बोल बोल के। फिर मैं रोती रहती थी रात रात भर कि कहाँ पे आ गई, मन नहीं लगता था, खाना नहीं खाती थी, पापा से बात करने के लिए तड़पती थी, फैमिली का इम्पोर्टेंस पता चल रहा था क्या होता है क्या नहीं होता, बात करने के लिए तड़पना बस पेरेंट्स से, जबकि दोस्त इतने सारे थे। दे वर इन हॉस्टल, आई गॉट द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माय लाइफ, रियली द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ माय लाइफ, दे आर स्टिल विथ मी। वार्डन रोज उठाने आती थी वहाँ पे साढ़े पाँच बजे, पीके उठो स्कूल जाना है नहीं जाना है, मुझे नहीं जाऊँगी मैं नहीं जाऊँगी, पापा से बात करा दो मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। स्कूल जाती थी तो वहाँ पे 6-6 घंटा तक चुप रहती थी, स्कूल जाती थी 6 घंटा का स्कूल रहता था, चुपचाप बैठी रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी।
वो लोग कितना बुली करते थे, रूड है, नेपाली है। एक लड़की थी जिसने बहुत, मतलब होता है ना, इनडायरेक्ट वे में बहुत सताया। इट वॉज वेरी टॉर्चर्ड फॉर मी। मैं स्कूल में रहती थी तो लगता था कहाँ आ गई हूँ। सब बात बात करती थी सबसे, हॉस्टल में ठीक अच्छे से रहती थी। प्रिया दीदी लिटरली सी यूज टू, वो अपने चावल दाल से बात करती थी। मिस का खाना तो पता ही है कैसे होता है, एवरी हॉस्टल कैन रिलेट टू दिस थिंग्स। मिस का खाना से वो बात करती थी, भात आज तुम चावल के साथ क्यों आए, दाल के साथ क्यों आए, दाल तुमको तो नहीं आना था, वगैरह वगैरह, यही सब छोटा छोटा क्यूट 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 लिटल थिंग्स। फिर इससे प्रिया दीदी की वजह से हॉस्टल में रहना सीख गई थी धीरे धीरे। स्नेहा दोस्त बनी थी, मानवी बनी थी दोस्त। दिस टू जूनियर्स, और वो मेरे जूनियर्स थे, मेरे क्लासमेट्स के कोई उतना किसी के साथ मैं अटैच नहीं थी। बस यही प्रिया दीदी, स्नेहा, मानवी के साथ अटैच थे इन द इनिशियल डेज ऑफ माई हॉस्टल। और हम लोग टकाटक खाते थे साथ में, हर एक चीज़ खाते थे, खाना खाते थे। बाहर से कुछ मंगाना अलाउड नहीं था। There were so many rules. चोरी होता था हॉस्टल में, लाइक लिटरली एवरी वन कैन रिलेट टू दिस थिंग्स मैन, एवरी वन कैन रिलेट टू दिस थिंग्स। और फिर धीरे धीरे रहना सीख गई थी स्कूल में। मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता था, मैं ऐसे ही जाती थी। इलेवेंथ में कुछ नहीं पढ़ा, मेरे को एक चैप्टर तक याद नहीं, अभी भी लिटरली याद नहीं है। बट धीरे धीरे सब मैं सीख गई। मेरे पापा को तो सपना था हॉस्टल में रह के सीख जाएगी, बस मैं सीख गई। घर पे आती थी तो पापा को बहुत परेशान करती थी, वापस नहीं जाना, पर फिर वापस जाती थी, फिर वापस आती थी, वही होता था। एंड हॉस्टल में रहना दे वॉज मतलब टफ से थोड़ा सा कम हो गया था कि हाँ ठीक है अब रह लूँगी रह लूँगी। उसी में साक्षी तिवारी आई। साक्षी तिवारी जब आई, मतलब मैं पढ़ रही थी और साक्षी तिवारी आई, उसका नाम भी साक्षी था, तो फिर मेरा नाम भी साक्षी, उसका नाम भी साक्षी, और मेरे बगल वाली बेड में उसको बेड मिला था। एंड आई वाज लाइक कि कौन है, नहीं है, कैसे होगी, नहीं होगी, रियली पता नहीं। फिर मैं बहुत रूड थी, मैं सबसे बहुत झगड़ा करती थी, रूड थी, तो क्या नाम है, तो फिर मैं उससे भी बहुत गंदे तरीके से बात करती थी, तो सीरियसली चिंता फोन नहीं लगी। बट धीरे धीरे जब मैं, वो मुझे लिटरली, she is my soulmate best friend, she is my guardian, she is my guiding lights to my life. I love you. If you are watching this video, I know you are watching this. हम लोग बहुत मस्ती की है। साक्षी तिवारी आने के बाद मेरे हॉस्टल में रहने का एक्सपीरियंस चेंज हो गया। मैं रिबॉर्न कर रही थी उस हॉस्टल में, ऐसा लगा था आई वॉज अ न्यू बेबी टू दी टू दिस वर्ल्ड नाउ। उसने पढ़ना सिखाया, फिर से पढ़ना सिखाया, रहना सिखाया, एवरी थिंग। पापा से संडे संडे बात होता था, एंड दैट वॉज अ फन नाउ। ए संडे फोन आएगा, छोटा सा फोन आता था सैमसंग का, उस पर पैसा नहीं भराया जाता था। हम लोग कभी कभी भरा के मस्ती करते थे। 6 से 8 हम लोग का स्टडी टाइम होता था, उसमें हम लोग बात नहीं कर पाते थे, तो आई विल शो यू गाइड समथिंग। हम लोग ऐसे पेपर में बात करते थे, एंड आई वॉन्ट रिप्लाई। बॉन्डिंग मेरे साथ है ना, हमेशा ऐसे ही रहना, कभी चेंज नहीं होना। एवरीथिंग दिस क्यूट लिटिल थिंग्स मेड मी सो इमोशनल। ऐसा नहीं है कि मुझे आपको बताना नहीं है, हम लोग हमेशा पेपर में बात करते थे, जब जब स्टडी टाइम होता था। एंड क्यों फर पिकिया तिवारी खुद से बनाती थी, ये हाथ से बनाती थी। दिस बेस्ट विशेस मिस यू, लव यू एंड मिस यू नेपाली। ऐसे बहुत सारे मेमोरीज बने वहाँ पे, साथ में खाना, साथ में नहाना, साथ में सोना, साथ में रहना। फोन कुछ क्या होता है, फ़ोन का दुनिया से एकदम बाहर। टीवी 1 घंटा चलता था, फिर हम लोग वहाँ पे एक बालकनी था, जब भी कोई सैड होता था हम लोग वहाँ पे उस बालकनी में जाके बात करते थे, सबको साथ में चाय बनाना। रात में कभी कभी हम लोग एक हीटर रखे थे छुपा के, उसका तार एक्चुअली अभी भी मेरे पास है एज अ मेमोरी। एंड वो हीटर तो मैंने फिर वहीं पे छोड़ दिया था। और अभी भी पता है, अभी भी अगर हम लोग को कोई बोल दे, हम लोग, मैं, सृष्टि, तिवारी, स्नेहा, मानवी, कशिश, साक्षी, ओ माय गॉड, देयर आर सो मेनी नेम्स स्टिल, नेना, मेरी बेस्ट जूनियर,
सबको इतने प्यारे थे, आई रियली मिस यू ऑल गाइस, आई रियली मिस यू। एंड हॉस्टल में एक्चुअली ये रूल था कि कब मतलब पेरेंट्स आके मिल सकते हैं अपने बच्चों से, तो आशू मामा जब जब आते थे सबको डेली में लेके आते थे। मैं अभी तक संभाल के रखी हूँ दिस रैपर्स, दिस पेपर, ओ माय गॉड, अभी तक संभाल के रखी हूँ। हम लोग हमेशा बोलते थे जब वो 2 साल में कि नहीं यहाँ पे नहीं रहना, मन नहीं लगेगा, ए कब मन नहीं लगता, कब कब भी हॉस्टल का लाइफ ख़त्म होगा, हम लोग फिर चले जाएंगे, फिर मैं तो कभी भी सब स्कॉट वापस नहीं आऊँगी, यहाँ जाऊँगी वहाँ। स्टी ऑलवेज यूज टू टेल अस, अभी इस हॉस्टल से निकलने के लिए तड़प रही हो, बाद में इसी हॉस्टल में आने के लिए तड़प होगी। एंड वी फील दिस नाउ, वी रियली फील दिस नाउ। अब जब भी सृष्टि से बात होता है, जब भी स्नेहा से बात होता है, तिवारी से बात होता है, वी ऑलवेज टॉक अबाउट आवर हॉस्टल, दैट कास्ट फिर से वहाँ पे जाने का मौका मिले। और हम लोग की प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छी थी, वो उन्होंने एक फेस्ट करवाया था जिसकी वजह से वी ऑल वेर दी वॉलेंटियर्स, जिसका मे आई हेल्प यू प्लीज़ का ये था। हम लोग फेस्ट में बहुत इंजॉय किए थे, ट्रैम्पलिंग एंड अब हम लोग का अपना स्टॉल लगाना, बेचना उसको, विद मेमोरीज आई रियली कैन रिलाई। हम लोग कभी कभी थोड़ी इमोशनल जाता था तो लाइट्स ऑफ कर देते थे, फिर हम लोग का कंप्लेन होता था, फिर कंप्लेन उन्होंने फ़ोन किया सबको ऐसे करके, इंचार्ज के सामने हम लोग ऐसे करके खड़े रहते थे, कोई किसी का नाम नहीं लेता था। आई वॉज लिटरली द वर्स्ट स्टूडेंट ऑफ द रमा गर्ल्स हॉस्टल। और फिर जब हम लोग साथ में टीवी देखते थे 8 से 9, फिर वहाँ पे एक रूल था कि अगर मेरा कोई फेवरेट हीरो या हीरोइन है उसका गाना बज रहा है तो नो वन कैन चेंज दैट, कोई चेंज नहीं कर सकता है उसे। एंड हम लोग साथ में फ्रेंडशिप डे मनाते थे, एवरी वन यूज टू शेयर देयर फ्रेंडशिप एंड विद एवरीबडी, एवरी बिशप स्पॉट कैन हैव दिस आई थिंक। कैसे थी हम लोग का वाइट हेयर स्कॉर्पियन इज अ फील नाउ, एंड दिस ब्लेजर, दिस बैच, दिस फीलिंग टू बी अ स्कॉर्पियन, नाउ इट फील्स लाइक अ प्राइड टू अस दैट वी आर स्कॉर्पियन, यस वी आर स्कॉर्पियन। आई रियली थिंक ईच एंड एवरी चाइल्ड शुड एक्सपीरियंस द हॉस्टल लाइफ वंस इन द कैरियर ऑफ एजुकेशन टू गेट द गुड लेसन्स ऑफ लाइफ और गुड मेमोरीज विद स्नेहा, साक्षी, तिवारी, मानवी, सृष्टि। स्नेहा मुझे बस सीनियर नहीं, दीदी मानती थी। मैंने जब उसको देखा वो बहुत झल्ली सी थी, एटीट्यूड वाली, स्टार्टिंग में फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा उसके साथ यही था, बट जब धीरे धीरे रहने लगे वो किसी को मानती है ना तो वो दिल से हमेशा अपने लाइफ टाइम उसको मानती है। एंड आई स्टिल फील दैट शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्लोजेस्ट टू माई हार्ट। हॉस्टल में सबसे ज़्यादा अगर कुछ फेमस था तो मेरा चाव चाव बहुत फेमस था, कोई जब भी मैं लाती थी पी के दे देना, पी के दे देना, पी के पी के। आई यूज टू सेल चाव चाव टू ऑल ऑफ माई मेट्स। हम लोग रात रात में छुप के चाव चाव बनाते थे, चाय बनाते थे। हम लोग गार्डन पर से गार्डन पर प्लीज़ हम लोग समोसा चाउमिन मोमो लाते थे, मोमो, ओ माई गॉड, मोमो से याद आया, स्नेहा का फेवरेट था मोमो। कुछ भी होता था, कभी भी उसके पापा आते थे उसके घर से गुलाब जामुन पे था, मोमोज आता था, आते ही ख़त्म। वी रियली डू यूज टू वेट फॉर 2 or 3 days, वो आते ही उसी दिन ख़त्म होता था। कभी साक्षी तिवारी के घर से खजूरी आता था मेरे से, चाउ चाउ, निमकी, सृष्टि का गुलाब जामुन। हॉस्टल में रहे तो आई रियली वुड लव टू हियर योर एक्सपीरियंस इन हॉस्टल, मतलब हॉस्टल में पहले गए थे तब इमोशन क्या था और जब छोड़े थे तब इमोशन क्या था। आई रियली वॉन्ट टू गो दैट, प्लीज शेयर इन माई कमेंट सेक्शन बिलो। कभी भी किसी का हम लोग के हॉस्टल के बगल में एक मैरिज हॉल था, वहाँ पे कभी भी किसी का भी शादी होता था हम लोग रूम में इतना डांस करते थे, इतना डांस। प्रीति आंटी जैसे रात में गुस्सा हो जाती थी वो रात रात भर हल्ला करना, हम लोग का हंसना। 11th ऐसे ही मस्ती करते करते ख़त्म हो गया। फिर जब हम लोग 12th में गए थे, अब सीरियस हो जाएंगे, एंड मैं तो 11th में कुछ नहीं पढ़ी थी, बस मस्ती, बस आई वॉज जस्ट इन्जॉइंग माई लाइफ टू द फुलेस्ट इन फर्स्ट ईयर।
फिर ट्वेल्थ में जब गई दीपक सर का एंट्री हुआ, दीपक साई रियली मिस, वो आए पहला दिन उनका, मैं इतनी शांत थी, हमेशा मैं हॉस्टल में इतना खुल के रहती थी, बट स्कूल जाके पता नहीं देर वॉज समथिंग ट्रिगरिंग ऑलवेज एंड आई रियली यूज टू बी क्वाइट एंड साइलेंट. और दीपक सर जब मुझे देखे, ही इंस्पायर्ड मी सो मच टू स्टडी. फर्स्ट स्टडी मैं उनकी उनको देख के मुझे हाँ लगता था कि यार पढ़ना चाहिए सच में ही. वी यूज टू टेक केयर ऑफ मी सो मच दैट आई स्टार्टेड स्टडिंग इन ट्वेल्थ. हम लोग का हॉस्टल में रूल था, कभी कभी डायरेक्टर सर आते थे चेक करने के लिए कि स्टूडियो में मेरा बच्चा लोग कैसे रह रहा है. आई मिस यू डायरेक्टर सर एंड दीपक साइड यू. आई नो यू आर नॉट इन दिस वर्ल्ड बट यू टू विद द मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सन आई हैव एवर मेट इन सिक्स क्लास. डायरेक्टर सर यूज टू आस्क एवरी थिंग. जब भी वो आते थे हम लोग का हॉस्टल इतना मिस रहता था कि वार्डन हम लोग को बता देते थे कि आज डायरेक्टर सर आने वाले, जाओ तुम लोग साफ कर दो, अदरवाइज सबको डांट सुनोगे. हम लोग सब चीज़ साफ कर देते, बेड को एकदम नीट एंड क्लीन, बुक्स सर हमेशा हम लोग का हॉस्टल मिल जाता था, हम लोग का कबर्ड मिल जाता था. एवरी थिंग वी यूज टू मेक बाई आवर सेल्फ. डायरेक्टर सर आने से पहले फिर वो जब भी आते थे हम लोग के लिए नाश्ता लेके आते थे. आई मिस दोज मोमेंट्स. बर्थडे सेलिब्रेट करना हम लोग को हॉस्टल में अलाउ नहीं था बाहर से कुछ भी लाना, लेकिन फिर भी हम लोग एक पूजा दीदी थी, वो होम्योपैथिक की स्टूडेंट थी तो वो बाहर जा सकती थी, तो कभी कभी हम लोग के लिए ला देते. हम लोग कभी भी कुछ भी चाहिए होता ना बाहर से, पूजा दीदी हम लोग को ये चाहिए, पूजा दीदी हम लोग को वो चाहिए, सो यूज टू ड्रिंक एवरी लिटिल थिंग्स. थैंक यू सो. मैं चाहती हूँ कि मैं हर एक बर्थडे केक के लिए आपको थैंक यू बोलूँ. वो कभी कभी केक ला देती थी और जैसे कभी केक नहीं मैनेज हो पाता था तो हम लोग बॉर्नविटा बिस्किट, आई नो द रेसिपी, बॉर्नविटा बिस्किट से केक बनाते थे घर में, मोमबत्ती से उसको एक प्लेट में रख के गर्म करते थे, वैक्सीन करते नहीं करते थे, धीरे धीरे हैप्पी बर्थडे बोलते थे. एंड मेरा बोलते थे, मेरा इलेवेंथ का बर्थडे है, मेरे दादाजी का डेथ हो गया था कुछ दिन तो फिर मैं नहीं रह पाई थी, लेकिन फिर भी माई फ्रेंड्स के लिए दिस वॉच आई रियली, मेरे को याद है हम लोग ऑनलाइन कुछ देख रहे थे और मैं बस बोली थी यार ये वॉच कितना प्यारा है, दे ऑर्डर फॉर मी. उन्हें जैसे कि सबके हॉस्टल में खाना मिस का खाना बहुत गंदा रहता, हम लोग का हॉस्टल का भी मिस का खाना बहुत गंदा था, पर कभी कभी राजमा चावल बनता था विद मेरा और स्नेहा का फेवरेट था राजमा चावल. हम लोग राजमा छुपा छुपा के रखते थे रात के लिए कि राजमा आज राजमा चावल बनाए, बेसन का सब्जी. उस टाइम भी वो खाना अच्छा नहीं लगता था, बट नाउ वी मिस दैट फूड, वी मिस दैट प्लेस. आई मिस यू ऑल, आई लव यू ऑल, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माई लाइफ. दो साल तुम लोगों ने दिया, इट वॉज द बेस्ट ऑफ माई लाइफ. हॉस्टल एक्चुअली बच्चों को बहुत कुछ सिखा देता है, खुद का लाइफ खुद से मैनेज करना है, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे मैच्योरिटी लाना है, कैसे मतलब कैसे लाइफ का गोल है, कैसे किस पे फोकस करना है, इट टीचेस एवरीथिंग. और मैं और साक्षी तिवारी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे वहाँ पे. हम लोग रात रात भर बात करते थे, हम लोग अपना एक डायरी बनाए थे कि मेरे क्षेत्र के मेमोरीज इन दिस. हॉस्टल में आप कभी रहे हो, यू हैव आई नो यू हैव द बेस्ट मेमोरीज देयर. इफ यू वांट टू शेयर विद मी, माय इंस्टाग्राम हैंडल इज साक्षीया, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. व्हाट वाज माय इमोशन एट द एंड ऑफ हॉस्टल लाइफ, इन माय फर्स्ट हॉस्टल लाइफ. माय इमोशन वाज दैट आई रियली डोंट वांट टू लीव दिस नाउ, आई वांट टू कंटिन्यू टू दिस टू अ लाइफ टाइम. आई डोंट वांट फोन्स, आई डोंट वांट माय एनीथिंग regarding them. These four with study hall है हम लोग का, होली वाला memories, और ये सरस्वती पूजा का photo. अब हम लोग कहीं घूमने गए थे, फेस्ट का तो कहानी मैंने आप लोगों को बताया ही था. हम लोग सेलिब्रेशन किए थे क्रिसमस का, ट्रेन वाला बेड था हम लोग का, फेयरवेल का मेमोरीज है ये. नैना मेरी वन ऑफ द बेस्ट जूनियर, लास्ट नाइट ऑफ रमा गर्ल्स हॉस्टल. थैंक यू तिवारी, स्नेहा, सृष्टि, मानवी, कशिश, सोना, पूजा दीदी, प्रीति आंटी, कुमुद मैम, पूजा, निक्की, रमीशा, श्रुति, थैंक यू एवरीबडी, आई लव यू ऑल.